Let's start with AS24, discontinuing operations. AS24, discontinuing operations. What this standard is going to tell you is reporting of discontinuing operation. स्टैंडर्ड आपसे ये बोलता है कि आपको डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन को रिपोर्ट करना होगा, ठीक है? रिपोर्ट करने का मतलब तो सबको समझ में आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड करना होगा, ठीक है? व्हाट डज रिपोर्टिंग मींस? रिपोर्टिंग का मतलब हो गया इंक्लूड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. व्हाट इज डिसकंटिन्यूइंग? डिसकंटिन्यूइंग का मतलब होता है अबाउट टू क्लोज, आप बंद करने वाले हैं. आप बंद करने वाले हैं जिन ऑपरेशंस को, उसे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्ट करना होगा. व्हाट इज ऑपरेशन? ऑपरेशन कैन बी योर बिजनेस ऑपरेशन, इट कैन बी योर ज्योग्राफिकल एरिया ऑपरेशन. So pay attention here. What is AS24? Discontinuing operation. ये कहता है कि discontinuing operation को आपको report करना होगा, मतलब shareholder को बताना पड़ेगा आपको, ठीक है? अपने financial statement में किन बातों को बताना पड़ेगा? अगर आप business operation को close करने वाले हैं, what is business operation? इसका मतलब होता है कोई product बंद करने वाले हैं, ठीक है? हम अभी चार product में deal करते हैं, A, B, C, D. हम D बंद करना चाहते हैं. बंद कर दिया है? नहीं, बंद करने जा रहे हैं, तो ये बात अभी बता देनी है, ठीक है? ज्योग्राफिकल एरिया ऑपरेशन का मतलब कोई एक लोकेशन पे हम क्या करने जा रहे हैं, बंद करने जा रहे हैं. मेरी यूनिट चार जगह है, एक वाराणसी में है, एक दिल्ली में है, एक मुंबई में है और एक कोलकाता में है. हम कोलकाता वाली यूनिट क्या करने जा रहे हैं? बंद करने जा रहे हैं. तो ये बात आपको क्या करनी होगी? रिपोर्ट करनी होगी, ठीक है? कैसे रिपोर्ट करना होगा हम आपको यह भी बता दें. बेसिकली ये स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपको जिस आप प्रोडक्ट को या फिर जिस ज्योग्राफिकल लोकेशन को आप बंद करने जा रहे हैं उसका पीएल अलग बना दीजिए पूरा. मतलब आप अपना पीएल कैसे बनाइए? आप बनाइए कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का पीएल अलग. आपने शेड्यूल 3 पढ़ा होगा, बैलेंस शीट पीएल का फॉर्मेट, ठीक है? तो उसमें आपने देखा होगा कि पीएल में कंटिन्यूइंग ऑपरेशन और डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन अलग अलग कर दिया जाता है. तो ये कहता है कि कंटिन्यूइंग ऑपरेशन और डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन के पीएल को आप क्या कीजिए? अलग अलग कर दीजिए. इसका मतलब क्या है पता है? से फॉर एग्जाम्पल अभी तक हम ए बी सी डी चार प्रोडक्ट बना रहे थे, तो बताए मेरा जो पीएल होता था उसमें प्रॉफिट किसका दिखाई देता था? चारों प्रोडक्ट का मिला के. लेकिन अब हमने प्लान किया कि हम डी बंद करने वाले हैं. प्लान किया भी किया नहीं है, हम करने वाले हैं ऐसा डिसीजन ले लिया गया है. तो इस साल जब हम अपना पीएल बनाएंगे तो डी का प्रॉफिट अलग दिखाएंगे और एबीसी का प्रॉफिट अलग दिखाएंगे. हम जब सेल लिखेंगे तो सेल में कौन सी सेल होगी? एबीसी की, ठीक है? फिर उसमें से खर्चे किसके कटाएंगे? एबीसी के, और उसकी प्रॉफिट निकाल लेंगे. फिर अलग से डी का पीएल बनाएंगे और दोनों प्रॉफिट को एड करके दिखाएंगे. मतलब जो बिजनेस आप बंद करने वाले हैं उसका पीएल अलग होना चाहिए. पता इससे क्या फर्क पड़ेगा? शेयर होल्डर को कंपनी के बारे में ज्यादा अच्छे से पता चलेगा. ध्यान दीजिए, अभी कंपनी कितना कमाती है? 100 लाख रुपीस, ये है कंपनी का प्रॉफिट. दिस इज द प्रॉफिट ऑफ कंपनी, ठीक है? जब हम बाइफरगेट करके बनाते हैं, एबीसी को अलग करते हैं और डी जो बंद करने वाले है उसको अलग करते हैं, तो पता है क्या पोजिशन पता चलती है? एबीसी में हम कमा रहे हैं 250 लाख और इसमें घाटा होता है 150 लाख का, और इसलिए 100 लाख रुपए का प्रॉफिट है, ठीक है? अरे तभी तो डी बंद करने वाले हैं. अब अगर ये चीज हम बताएंगे तो शेयर होल्डर को रियल पिक्चर दिखाई देगी कि नहीं? दिखेगी. अब उनको समझ में आएगा डी बंद होने वाला है, डी की वजह से इतना लंबा चौड़ा घाटा है, यानी डी बंद हो गया तो कंपनी कहां की कहां पहुंच जाएगी.
आई बात समझ में, द सेम गोज फॉर लोकेशन. सी फॉर एग्जाम्पल आई एम ऑपरेटिंग एट फोर डिफरेंट लोकेशन, ठीक है, तीन लोकेशन पे 250 लाख का फायदा है, एक लोकेशन पे 150 लाख का घाटा है, ठीक है, और कुल मिला के इसलिए कंपनी की प्रॉफिट कितनी दिख रही है, 100 लाख. अगर आप ये बाइफर्गेशन बताओगे तो बताइए काम शेयर होल्डर को रियल पिक्चर दिखेगी कि नहीं दिखेगी. यही इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव है. वो चाहता है कि जो आप सेगमेंट अपना क्लोज करने वाले हैं उस सेगमेंट के पीएल को अलग दिखाइए, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अलग से प्रेजेंट कीजिए, ठीक है, सो दैट शेयर होल्डर को रियल पिक्चर दिखाई दे कि जब ये खत्म हो जाएगा, जिस चीज को आप डिसकंटिन्यू करने वाले हो वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा, तब कंपनी की फाइनेंशियल पोजिशन कैसी होगी. ठीक है, क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि एबीसी कंपनी ऐसे दिखा रही है, एबीसी का प्रॉफिट 90 लाख और डी का प्रॉफिट 10 लाख और ये कुल मिला के है 100 लाख और हम डी को डिसकंटिन्यू करने वाले हैं, क्या ऐसा भी पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है. पता है ये कंपनी डी को क्यों डिसकंटिन्यू कर रही है? क्योंकि ये 10 लाख रुपए कमा के देता है, जिसकी वजह से हम एबीसी में पता है कितना और नहीं कमा पाते हैं, तकरीबन 80 लाख रुपया. अगर हम डी को डिसकंटिन्यू करके उतना ही समय में एबीसी बना के बेचें तो पता है 80 लाख से प्रॉफिट बढ़ सकता है, इसलिए कंपनी डी को डिसकंटिन्यू करने जा रही है. समझ में आ रही है बात सबको? तो डिसकंटिन्यूएंस ऐसा नहीं है कि हमेशा लॉसेस वाले केस में ही होता है, कभी कभी प्रॉफिट हो रहा है तो भी हम डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि वो जो प्रॉफिट हो रहा है उससे कई ज्यादा हम क्या कर रहे हैं, दूसरे कामों में ध्यान न देने की वजह से नुकसान उठा रहे हैं. ठीक है, डी बना के 10 लाख रुपया कमा तो ले रहे हैं, लेकिन डी बनाने की वजह से एबीसी में जो ग्रोथ पोटेंशियल था वो हम गवा रहे हैं. पता है एबीसी में ग्रोथ पोटेंशियल कितना था? 80 लाख रुपए और कमाने का पोटेंशियल था, जो डी के 10 लाख रुपए की वजह से खत्म हो जा रहा है. एंड देयरफॉर आई एम गोइंग टू डिसकंटिन्यू इट. ठीक है, तो डिसकंटिन्यूइंग का मतलब ये नहीं होता कि यू हैव क्लोज डाउन, डिसकंटिन्यू का मतलब होता है यू आर अबाउट टू क्लोज, यू हैव टेकन डिसीजन फॉर क्लोजिंग सर्टेन प्रोडक्ट और यू हैव टेकन डिसीजन फॉर क्लोजिंग सर्टेन लोकेशन ऑफ योर कंपनी. ठीक है, एंड इन केस यू हैव मेड सच प्लान यू नीड टू रिपोर्ट इट टू द शेयर होल्डर. ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं. यही है कुल मिला के थीम इस स्टैंडर्ड का. AS24 इज एप्लीकेबल टू ऑल डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन. ऑब्जेक्टिव ऑफ AS24 इज टू एस्टैब्लिश प्रिंसिपल फॉर रिपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन. दिस इज रिपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन. ठीक है, thereby enhancing the ability of the user of financial statement to make projection of an enterprise cash flow. क्या कह रहा है? कह रहा है इससे क्या होता है ना कि जो यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो समझ जाता है कि फ्यूचर में अब क्या कैश फ्लो होने वाली है. अगर ये एंटिटी बंद हो जाएगी, ये वाला प्रोडक्ट बंद हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, फ्यूचर में कैश फ्लो अब कितनी आएगी. जैसे हम जो एग्जाम्पल ले रहे थे कि ए बी सी से 250 लाख कमा रहे हैं, डी की वजह से 150 लाख रुपए जा रहे हैं, ठीक है, और डी कंपनी बंद कर रही है, तो अब समझ में आ जाएगा, शेयर होल्डर फ्यूचर का प्रोजेक्शन कर लेंगे कि अब इसका मतलब है कि मोटा मोटी कंपनी कितना कमाएगी, 250 लाख. ठीक है, तो कह रहा है कि इससे इनहेंस होती है एबिलिटी ऑफ द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू मेक प्रोजेक्शंस ऑफ एंटरप्राइज कैश फ्लो, अर्निंग जनरेटिंग कैपेसिटी एंड फाइनेंशियल पोजिशन बाई सेग्रीगेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट discontinuing operation from the information about continuing operation. ठीक है, तो अभी हमने सिर्फ पीएल की बात की थी, सिर्फ पीएल ही अलग से नहीं करना होता है, हम आपको बता दें आपको अलग से कैश फ्लो भी बनाना होता है. यू हैव टू मेक अ सेपरेट कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑल्सो, ये भी सेपरेट बनाना होता है. दिस इज ऑल्सो सेपरेट, मतलब हमें अलग से बताना होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये बनाते हैं आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में. तो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन की वजह से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन की वजह से कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना, और डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन की वजह से कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कितना, ये अलग से बताना होगा. समझ में आ गया? और तो और बैलेंस शीट अलग से नहीं बनती है, लेकिन एसेट एंड लाइबिलिटीज अलग से रिपोर्ट होती है, ये भी अलग से रिपोर्ट होती है. तो पीएल पूरा अलग से बनता है, कैश फ्लो पूरा अलग से बनता है, और एसेट एंड लाइबिलिटीज कुछ चीजें होती है जो हमें अलग से सेपरेटली रिपोर्ट करनी होती है. वी वोंट कॉल अ बैलेंस शीट एज, बिकॉज बैलेंस शीट तो टैली होनी चाहिए ना, दैट वोंट टैली एट ऑल. ठीक है, बैलेंस शीट तो कंपनी की टैली होगी. ठीक है,
ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ एसेट और लाइबिलिटीज हम डी के लिए निकाले अलग और वो मैच हो जाए, ठीक है। देयरफॉर वी डू नॉट कॉल इट एज बैलेंस शीट, वी कॉल इट एज रिपोर्टिंग ऑफ सर्टेन एसेट एंड लाइबिलिटीज विच आर रिलेटेड टू डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, ठीक है। तो समझ में आ गया क्या क्या रिपोर्ट करना होता है। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, अ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन इज अ कंपोनेंट ऑफ एन एंटरप्राइज दैट द एंटरप्राइज पर्सुएंट टू अ सिंगल प्लान इज डिस्पोजिंग ऑफ सब्सटेंशियली इन इट्स एंटायरिटी। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन क्या है, कह रहा है हम लोग डिस्पोज ऑफ करने वाले हैं किसी एक यूनिट को या एक प्रोडक्ट को एक बार में एंटायरिटी, ठीक है। सच एज बाई सेलिंग द कंपोनेंट इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन और बाई डीमर्जर, डीमर्जर करके अलग कर देंगे, और स्पिन ऑफ ऑफ ओनरशिप ऑफ द कंपोनेंट टू द एंटरप्राइज शेयर होल्डर। स्पिन ऑफ ऑफ ओनरशिप का मतलब ओनरशिप किसी और के हाथ में पकड़ा देना, ठीक है। तो एक हो गया डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का मतलब, कह रहा है कि आप सब्सटेंशियली डिस्पोज करेंगे एक बार में, ठीक है। दूसरा, डिस्पोजिंग ऑफ पीस मिल, आप एक बार में डी प्रोडक्ट को बंद नहीं कर रहे हैं। पता है डी प्रोडक्ट बनाने वाली चार मशीनें, अभी आपने प्लान किया है कि इस क्वार्टर में एक मशीन बेचेंगे, फिर उसके बाद वाले क्वार्टर में अगली मशीन, फिर उसके बाद में अगली मशीन, उसके बाद में अगली मशीन, और जब तक चारों मशीन बिक जाएगी फिर डिसकंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है? अभी भी हमको अलग अलग करना पड़ेगा, रिपोर्ट अलग अलग बनानी होगी। हाँ, कह रहा है पीसमिल डिसकंटिन्यू करने वाले हो या फिर एक बार में करोगे, अगर प्लान बना है कि हम डिसकंटिन्यू करने वाले हैं तो यू हैव टू रिपोर्ट इट, ठीक है। टर्मिनेटिंग थ्रू अबंडनमेंट, व्हाट इज टर्मिनेटिंग थ्रू अबंडनमेंट, अबंडनमेंट का मतलब होता है बेसिकली नेग्लेक्ट कर देना। जब हम ऐसे करते हैं बस हटेगा, ठीक है, अगर इस तरीके का भी प्लान है कि बस हटेगा, मतलब कैसे हटेगा इस वो सोच लेंगे बट ये हटाना है, दिस वी हैव टू रिमूव इट। तो ये भी कह रहा है कि डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है। दैट रिप्रेजेंट्स अ मेजर लाइन ऑफ बिजनेस, अब ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन क्या हो सकता है, ये एक मेजर लाइन ऑफ बिजनेस हो सकता है, मतलब ये एक प्रोडक्ट हो सकता है आपका। मेजर लाइन ऑफ बिजनेस किसको कहते हैं, जिन चीजों में हम डील करते हैं उसको लाइन ऑफ बिजनेस कहा जाता है, ठीक है। जैसे मेरे केस में आप पूछेंगे सर व्हाट इज योर लाइन ऑफ बिजनेस, तो ऐसे एजुकेशन, ठीक है। फिर आप पूछेंगे अच्छा सर आपके प्रोडक्ट्स क्या क्या है लाइन ऑफ बिजनेस में, क्या क्या है एजुकेशन में, तो ऐसे कि सीएस, सीए, सीएमए, दीज आर ऑल लाइन ऑफ बिजनेसेस In which I am doing education, ठीक है। तो कह रहा है कि that represents a separate major line of business, जो separate major line of business है उसको discontinue कर रहे हैं, या फिर any geographical area of operation, ठीक है। Suppose I am operating coaching at 5 different cities and closing down 1 out of those 5 cities would be called discontinuing operation, ठीक है। I am teaching for 4 courses, ठीक है, discontinuing one of the course would be called discontinuing operation. Are you getting the point? That can be distinguished operationally or for financial reporting purposes. लेकिन कह रहा है ये ऐसा होना चाहिए जिसको आप operationally और financial reporting purpose के लिए अलग अलग कर सकते हो। मतलब आप दो प्रोडक्ट बनाते हो लेकिन ऑपरेशनली दोनों एक ही साथ बनता है, एक ही रॉ मटेरियल डालते हैं तो दो प्रोडक्ट बन जाता है, मशीन से दो एक साथ निकलता है, दे आर ज्वाइंट प्रोडक्ट्स, ठीक है। एक रॉ मटेरियल एक्स रॉ मटेरियल डालते हैं तो ए और बी दो प्रोडक्ट निकलता है मशीन में से, कह रहा है तो उसमें अब ए को डिसकंटिन्यू करोगे तो ये संबंध बताओ, वैसे भी डिसकंटिन्यू कर भी नहीं पाओगे, रॉ मटेरियल ही एक ही डालते थे। उसकी बात नहीं हो रही है, हम लोग कहां पे बात करने की रिपोर्ट करना पड़ेगा, जहां सचमुच आप 4 प्रोडक्ट बनाते हो और एक का मशीन अलग है बनाने का, उसका प्रोसेस पूरा अलग है, मतलब हर चीज उसके लिए सेपरेट है, आप ऑपरेशनली और फाइनेंशियली एकदम अलग काम करते हो उसके लिए। आ रही है बात समझ में, तब आपको रिपोर्ट करना है। आई बात समझ में सबको? एग्जाम्पल से समझिएगा, से फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग क्लासेस फॉर सी ए एज वेल एज सी एम ए, ठीक है, आउट ऑफ विच 50% क्लासेस आर कॉमन, ठीक है। नाउ आई एम प्लानिंग टू डिसकंटिन्यू एनी ऑफ द कोर्स इन इट,
ठीक है, तो क्या हमें उसे सेपरेटली रिपोर्ट करना होगा? नहीं, उसकी आधे से ज्यादा क्लासेस तो कॉमन होती है, उसका ऑपरेशन फाइनेंशियल अलग अलग हम कर ही नहीं सकते, ऑपरेशन एक साथ होता है। ठीक है, मोर देन 50% क्या है, क्लासेस कॉमन है दोनों में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन को रिपोर्ट करना है जब उस ऑपरेशन का ऑपरेशनल एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी सब अलग होती है, तो अब आप उसको रिपोर्ट कीजिए, नहीं तो आप कर ही कैसे पाएंगे, आप कर ही नहीं पाएंगे, आप अलग से पीएल बना पाएंगे नहीं, जब वो लिंक्ड है आपके दूसरी चीजों के साथ तो आप नहीं कर पाएंगे अलग उसे। इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट विथ रिस्पेक्ट टू अ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, द इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट इज द अकरेंस ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग विच अकर्स अर्लियर। कब आपको रिपोर्ट करना होगा, कब? ए पॉइंट, द एंटरप्राइज हैज एंटर्ड इनटू अ बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट फॉर सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द एसेट एट्रिब्यूटेबल टू डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। आपने बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट कर लिया एसेट बेचने का, ठीक है, अगर ऐसा हुआ है रिपोर्ट कर दीजिए। या फिर बी, द एंटरप्राइज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिमिलर गवर्निंग बॉडी हैज बोथ अप्रूव्ड अ डिटेल्ड फॉर्मल प्लान फॉर डिसकंटिन्यूएंस। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने प्लान बना लिया है डिसकंटिन्यूएंस का और उस प्लान की अनाउंसमेंट कर दी गई है, मतलब कंपनी के इंटरनली जो इंप्लॉइज वगैरह उनके बीच में यह बात आ चुकी है। विच एवर इज अर्लियर, whichever is earlier, मतलब डायरेक्टर्स ने प्लान किया कि हमें क्या करना है, बंद कर देना है, ठीक है, या फिर एसेट का सौदा होना शुरू हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अभी डायरेक्टर्स ने किसी को यह बात बताई नहीं है कि हम बंद करने वाले हैं, ऐसा पॉसिबल है कि कंपनी के डायरेक्टर्स अभी किसी को यह बात का डिस्क्लोजर नहीं दिए कि यह कंपनी इस प्रोडक्ट को बंद करने वाली है और धीरे से उसके एसेट का सौदा करना शुरू कर दिए बेचने का? बिल्कुल पॉसिबल है, कंपनी को अभी मन नहीं है, डायरेक्टर्स ने कुछ प्लान किया हुआ है कि यह बात हम अभी मार्केट में डिस्क्लोज नहीं चाहते हैं, हम अपने इंप्लॉयज तक को यह बात नहीं बताएंगे, पॉसिबल है, ठीक है। तो अगर सौदा होना शुरू हो गया, सेल एग्रीमेंट बाइंडिंग बन गया है, तो भी क्या कीजिए, आप इमीडिएटली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कीजिए, अलग से डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का बनाइए पीएल, ठीक है। और या फिर डिस्क्लोजर हो गया, डिसकंटिन्यूएंस होने वाला है, इसका डिस्क्लोजर हो गया, भले ही आप अभी एसेट वगैरह बेचे नहीं हो, ना तो एसेट वगैरह का भी सौदा किए हो। ये डिटेल फॉर्मल प्लान ऊपर बात कर रहे थे, क्या होता है ये डिटेल फॉर्मल प्लान, यहां पे दिया हुआ है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिटेल फॉर्मल प्लान बना लिया हो और उसकी क्या कर दी हो, डिस्क्लोजर। तो व्हाट इज दिस डिटेल फॉर्मल प्लान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेजर एसेट टू बी डिस्पोज ऑफ, एसेट जिसको डिस्पोज ऑफ करना है उसकी आइडेंटिफिकेशन, एक लिस्ट बन जाती है, ये एसेट बेचना है। दूसरा, एक्सपेक्टेड मैथड ऑफ डिस्पोजल, किसको कैसे बेचेंगे, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ मशीन हो जिनको कंपनी ने प्लान किया हो एज ए स्क्रैप बेचेंगे, कुछ मशीन के रिस्पेक्ट में कंपनी ने प्लान किया कि हम लोग ऑक्शन करवाएंगे, ठीक है, तो तरह तरह की बात हो सकती है। कुछ मशीन के रिस्पेक्ट में कंपनी ने प्लान किया कि हम सप्लायर को ही, जिससे हम खरीदे थे उसी को हम दे देंगे, वो भी 50% में बाईबैक कर लेता है, ठीक है, तो क्या क्या प्लान है, किसको कैसे निकाला जाएगा। द पीरियड एक्सपेक्टेड टू बी रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ डिस्पोजल, कितने समय में डिस्पोजल कंप्लीट हो जाएगा। प्रिंसिपल लोकेशन अफेक्टेड, द पीरियड एक्सपेक्टेड टू बी रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ डिस्पोजल, डिस्पोजल कब तक कंप्लीट हो जाएगा। प्रिंसिपल लोकेशन अफेक्टेड, कौन सा लोकेशन मेरा इससे अफेक्टेड होगा। लोकेशन फंक्शन एंड अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु विल बी कंपनसेटेड फॉर टर्मिनेटिंग देयर सर्विसेज। भाई अगर हम डी प्रोडक्ट बनाना नहीं चाहते हैं या नहीं बनाएंगे, तो उसमें जो लेबर मेरी इन्वॉल्व है वो भी तो हम हटाएंगे, ठीक है। जब हम लेबर हटाते हैं तो आपको पता ही है हम लोग क्या करते हैं, उनको कंपनसेशन पे करते हैं, ठीक है। व्हाट इज दैट, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन या फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन, वो सब पे करेंगे तो उसका भी प्लान में सब लिखा होता है, ऐसे ही डिसकंटिन्यू नहीं हो जाएगा, बहुत सारी चीजें कंपनी को सोचनी पड़ती है, तो कह रहा है ये भी उसमें लिखा हो। द एस्टिमेटेड प्रोसीड ऑफ सॉल्वेज टू बी रियलाइज बाई डिस्पोजल, डिस्पोजल से कितना पैसा आ जाएगा, ठीक है, इसी को कहा जाता है डिटेल प्लान। तो समझ में आया क्या होता है डिटेल प्लान ऑफ डिसकंटिन्यूएंस, कौन सी एसेट बेचेंगे, कितने में बेचेंगे, कैसे बेचेंगे, जब बेच देंगे तो इंप्लॉयज वगैरह को कैसे हम कंपनसेट करके निकालेंगे, कितना पैसा आ जाएगा, ये सारी बात। An enterprise board of directors or similar governing body is considered to have made the announcement of a detailed formal plan for discontinuance if it has announced the main feature of the plan to those affected by it. अब दूसरी बात, हम लोग ने दो बातें पढ़ी थी, एक डिटेल प्लान बनाना और दूसरा अनाउंस करना, ठीक है।
तो अब अनाउंस करने का मतलब क्या होता है, किसको बताना, किसको बता देंगे तो अनाउंस हो गया, एक डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर के कान में बोल दिया बंद किया जाएगा, ये अनाउंस हो गया, किसको बताएं, देखिए दोस अफेक्टेड बाय इट, जिनका जिनके ऊपर इससे प्रभाव पड़ेगा, जैसे कि लेंडर को बताया, स्टॉक एक्सचेंज में हमने बता दिया, ट्रेड पेबल्स अपने क्रेडिटर्स को बता दिया, ट्रेड यूनियन वालों को बता दिया, ठीक है, तो इसको कहा जाता है अनाउंस, ये सब किसी को भी बताया तो इसे अनाउंसमेंट ही कहा जाएगा, ठीक है। इन अ सफिशियंटली स्पेसिफिक मैनर सो एज टू मेक इंटरप्राइज डेमोन्स्ट्रेबली कमिटेड टू द डिसकंटिन्यूअस, लेकिन बस ऐसे ही नहीं कि हवा में धीरे से बोल दिया था किसी दिन, ठीक है, कोई भी होश में नहीं था उसी समय बता दिया था, ऐसे नहीं, सफिशियंटली स्पेसिफिक मैनर, इसका मतलब क्या है, प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोजर, मतलब कि सच डिस्क्लोजर मस्ट हैव बीन टेकन सीरियसली बाय द अदर पार्टी, जब आपने डिस्क्लोज किया तो वो सामने वाले ने सीरियसली कंसिडर किया तो उसे कहा जाता है सफिशियंटली स्पेसिफिक मैनर, मतलब आप जो कहना चाहते हैं जो चीज, अगर सामने वाला उसको उस तरीके से ले ही नहीं रहा है तो आपका कहना स्पेसिफिक मैनर नहीं है, ठीक है। जैसे होता है ना कि कभी कभी हम कोई बात कह दिए लेकिन सामने वाला उसको मजाक में ले रहा है, आई एम सेइंग कि आई एम गोइंग टू क्लोज डाउन माय चेन्नई यूनिट, दूसरा वाला कह रहा है अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, वो सीरियस ही नहीं ले रहा है मेरी बात को, तो कह रहा है कि इसे इंटीमेशन नहीं कहा जाएगा, इसे डिस्क्लोजर नहीं कहा जाएगा, ठीक है, इसे अनाउंसमेंट नहीं कही जाएगी, अनाउंसमेंट वो होगी जब सामने वाला उसको ले रहा है, उस बात को सीरियसली कंसिडर कर रहा है। नाउ कमिंग टू प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, व्हाट यू विल हैव टू डू, ठीक है, जिसमें हमने आपको बताई दिया बेसिकली क्या करना होता है, हमें पीएल अलग कर देना होता है, अपने एसेट एंड लाइबिलिटीज को डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन के अलग से नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोज करना होता है, देन कैश फ्लो हमें बताना पड़ता है अलग अलग, हाँ, एन एंटरप्राइज शुड इंक्लूड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिगिनिंग विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द पीरियड इन विच इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट्स अकर, ठीक है, वहां से डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन अलग कर देंगे जहां से पहली बार क्या हुआ था, या तो एसेट बिकना शुरू हो गया था, बिकने का सौदा कर लिया था, या फिर क्या हुआ था, अनाउंसमेंट की गई थी फॉर्मल प्लान बना के, ठीक है, वहां से हर साल, ठीक है, कभी कभी कंपनी का प्लान जो होता है बहुत लंबा प्लान होता है, आज से 3 साल बाद बंद करेंगे डी को, क्योंकि उसकी इतनी एसेट है कि बेचते बेचते 3 साल लग जाएगा, इसलिए 3 साल बाद डिसकंटिन्यू होगा, तो पता है हमको 3 साल तक लगातार अलग अलग करना होगा, इनिशियल डिस्क्लोजर से लेके आखिरी दिन तक, जब तक वो डिसकंटिन्यू हो ना जाए, बात समझ में आई, सिर्फ एक बार डिसकंटिन्यू नहीं करना है, कब से करना है, फ्रॉम द इनिशियल डिस्क्लोजर, मतलब फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर जब पता चला कि हम डिसकंटिन्यू करेंगे टिल द डेट ऑफ डिसकंटिन्यूस, जब तक डिसकंटिन्यूस नहीं हो जाता वहां तक। डिस्क्रिप्शन ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, क्या क्या बताएंगे अब आप सुनिए, हर बार बताइएगा, एक बार नहीं हर बार, जब तक डिसकंटिन्यू ना कर दो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, कौन से ऑपरेशन को डिसकंटिन्यू कर रहे हो, ठीक है, द बिजनेस और ज्योग्राफिकल सेगमेंट, ठीक है, इन विच इट इज रिपोर्टेड एज पर AS-17, आपको पता है ना AS-17 दैट इज सेगमेंट रिपोर्टिंग, ठीक है, सेगमेंट रिपोर्टिंग में हम क्या करते हैं, सेगमेंट वाइज अपना रिपोर्ट करते हैं, ठीक है, याद है ना, इसमें सेगमेंट वाइज एसेट लाइबिलिटीज ये सब कुछ रिपोर्ट होती है, तो बिजनेस और ज्योग्राफिकल सेगमेंट हम सेगमेंट रिपोर्टिंग से भी उठा के बताएंगे, कहेंगे सेगमेंट रिपोर्टिंग में ये जो हम सेगमेंट रिपोर्ट किए हैं बिजनेस का या ज्योग्राफिकल सेगमेंट यही वाला डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, उसको भी हाईलाइट कीजिएगा। द डेट एंड नेचर ऑफ द इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट हमेशा बताते रहिए कि किस बात की वजह से, ठीक है, हम बताएंगे वो पहला दिन जिस दिन कंपनी ने सौदा किया था एसेट का उसी की वजह से हमने डिसकंटिन्यूस माना था, वो भी बताना होगा, वो इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट क्या है, क्यों आप कह रहे हैं डिसकंटिन्यूस, द डेट ऑफ पीरियड इन विच डिसकंटिन्यूस इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड इफ नोन और डिटर्नेबल, कब तक डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, कितने समय में हो जाएगा डिसकंटिन्यूस, ये भी लिखते रहिए, ठीक है, तो पहले साल हम लिखेंगे 3 साल में हो जाएगा, अगले साल लिखेंगे आने वाले 2 साल में हो जाएगा, तीसरे साल लिखेंगे आने वाले 1 साल में हो जाएगा, और फिर डिसकंटिन्यूस हो गया तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, तो ये हर बार लिखना पड़ेगा आपको कितने समय में हो जाएगा। The carrying amount as of the balance sheet date of the total asset to be disposed of and total liabilities to be settled. देखिए आपको बताना पड़ेगा कि
कैरिंग अमाउंट मतलब बैलेंस शीट में कितना अमाउंट एसेट का है जिसको आप डिस्पोज करेंगे और कितनी लाइबिलिटी ऐसी है जिसको आप सेटल करेंगे, मतलब दीज एसेट एंड लाइबिलिटीज आर रिलेटिंग टू डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, ठीक है, उसका डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन वाली एसेट एंड लाइबिलिटीज, ये अलग से आप बताएंगे। द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑर्डनरी एक्टिविटीज एट्रिब्यूटेबल टू डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड, आपको रेवेन्यू एक्सपेंस भी अलग करके बताना होगा। ये तो बेसिकली हम आपको बता दें पीएल ही अलग अलग बनता है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आप शेड्यूल 3 को अगर फॉलो करेंगे, ठीक है, तो वहां पे आपको दिखाई देगा कि रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस अलग कंसिडर करके अलग से प्रॉफिट निकाल देते हैं। फिर है, फिर कहता है प्री टैक्स प्रॉफिट अलग से आ जाना चाहिए, पोस्ट टैक्स प्रॉफिट अलग से आना चाहिए, ये हमको मालूम है, ये पीएल का फॉर्मेट ही ऐसा है। एक बार निकालते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स लेस करते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। द अमाउंट ऑफ प्री टैक्स प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज एट्रिब्यूटेबल टू डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड द इनकम टैक्स एक्सपेंसेस रिलेटेड देयर टू। तो क्या करते हैं हम आपको बताएं पीएल कैसे बनता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, टैक्स लेस करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, फिर निकालते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, फिर टैक्स लेस करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, और फिर दोनों प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को जोड़ देते हैं, ये कंपनी का प्रॉफिट हो जाता है, ये प्रेजेंटेशन का तरीका होता है। द अमाउंट ऑफ नेट कैश फ्लोस, ये भी आपको बताया कैश फ्लो भी अलग करना होता है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का। द अमाउंट ऑफ नेट कैश फ्लो एट्रिब्यूटेबल टू ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तो पता ही है कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये आपको डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का अलग से प्रेजेंट करना पड़ेगा इन करंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड। तो क्या करना पड़ेगा, समझ में आ गया, क्या डिसकंटिन्यू कर रहे हो ये बताओ, सेगमेंट रिपोर्टिंग में भी बताओ कौन से सेगमेंट को आप डिसकंटिन्यू कर रहे हो, इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट क्या था, कब तक डिसकंटिन्यूएंस कर लोगे, एसेट एंड लाइबिलिटीज अलग करके बताओ, पीएल अलग से दिखाओ, पीएल में प्रॉफिट बिफोर टैक्स अलग दिखाओ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अलग दिखाओ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का, और कैश फ्लो स्टेटमेंट अलग से दिखाओ, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में जैसे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फिर तीनों को जोड़ते हैं, फिर ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जोड़ते हैं तो आता है क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इतना काम नहीं करना है, ओपनिंग जोड़ के क्लोजिंग नहीं ला देंगे इसमें, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग कैश पूरी कंपनी का है, ठीक है। तो यहाँ पे बस क्या करते हैं हम, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बस ये तीनों बना देते हैं, पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बन जाता, ठीक है। और पीएल क्या होता है, इनफैक्ट पूरा पीएल बनता है, और बैलेंस शीट में भी बैलेंस शीट नहीं बन रही है, बेसिकली एसेट एंड लाइबिलिटीज की रिपोर्टिंग हो रही है विच इज रिलेटेड टू डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, ठीक है। और प्योर थ्योरेटिकल स्टैंडर्ड है, किसी भी पॉइंट पे एक छोटा मोटा क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है, जो आपने थ्योरेटिकली पढ़ा वही बातें आपको लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट AS 24।